Drop it. What? Hold up. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज़ व्लॉग। एज यू गाइस हैव ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, माय भाई, माय ब्रदर, सबसे बड़े वाले भाई इज फाइनली गोइंग टू बी रीयूनाइटिंग विद हिज फैमिली। ही इज गोइंग टू चाइना। उनका वीजा लग चुका है, उनकी टिकट आ चुकी है, सो टुमारो इज हिज फ्लाइट। इनका वीजा आई बिलीव कल या परसों लगा है, एंड जैसे वीजा लगा उसके नेक्स्ट उन्होंने टिकट ले लिया, एंड एज सून एज पॉसिबल उन्होंने अपनी टिकट बुक करवा ली थी, मतलब डेट के हिसाब से। सो परसों उनका वीजा लगा या तरसों उनका वीजा लगा, कल उन्होंने टिकट कराई एंड कल है उनकी फ्लाइट। एंड एक महीना तकरीबन ये लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं, पूरी फैमिली अलग रह गई एक महीना तकरीबन, एंड नाउ फाइनली दे आर गोइंग टू बी रीयूनाइटिंग। आई एम थोड़ा थोड़ा सा सैड एंड थोड़ा सा जेलस बिकॉज ही इज गोइंग टू बी मीटिंग विल्दान एंड आई मिस हिम अ लॉट। घर लिटरली विल्दान के बगैर ना, ये जो एक पूरा महीना गुजरा है ना, इस महीने में मुझे एक चीज़ बहुत सही वाली रियलाइज़ हुई है कि विल्दान के बगैर हमारा घर बहुत बहुत सूना है, बहुत सन्नाटा है। हर कोई अपने अपने में होता है, मैं अपने में होती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती एंड मुझे अपनी ही कंपनी ज़्यादा पसंद है। एंड देन अम्मा अब्बा भी अपनी ही चीज़ों में होते हैं, हर किसी की अपनी यू नो लाइफ है। बट जब हमारा खाना होता है, जब हमारा डिनर या लंच होता है, तभी हम जाके यू नो एक टेबल पे बैठ के बातें बातें होती हैं। एंड अगर मैं बाहर जा रही हूँ या अब्बू ने बुला लिया किसी काम से, तभी हम लोग एक दूसरे का आमना सामना कर रहे होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने कमरे में होती हूँ एंड अम्मा अपने कामों में होते हैं। बट अब तो मेहमान भी जा रहा है, वरना मेहमान चले आते थे मेरे रूम में या मैं चली जाती थी उनके रूम में, रात में हम कुछ ऑर्डर कर लेते थे, रात में उन्होंने बैठ के बातें कर लेते थे, अपना सेशन थोड़ा लग जाता था एंड उनके साथ जाके बैठ के उनको तंग करना, वो मुझे तंग करना। शाम में आई एम गोइंग टू बी फोर्सिंग हिम टू टेक मी आउट समवेयर बिकॉज ऑब्वियसली इज गोइंग वॉन्ट हिम टू ट्रीट मी अ डे बिफोर ही गोज। आई वॉन्ट दैट बिकॉज हम लोग जाते थे या हम लोग अगर इफ नॉट डेली हम लोग अल्टरनेटिव डेज पे जाते थे बाहर, तब भाभी भी होती थी एंड दिस टाइम जब वो नहीं है, भाभी नहीं है, तो मैं और मेहरान ही कर लेते थे हम लोग, या तो ऑर्डर कर लेते थे। बाहर जाना भाभी के बगैर थोड़ा कम हो गया था, बट हम लोग ऑर्डर कर लेते थे, भाई भी चले जाते थे। बट अब वो कुछ भी नहीं होगा। आई एम नॉट दैट फूडी जस्ट बाय द वे, बट भाइयों के साथ ना और फैमिली के साथ जाना में ना, एक भले हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, फन हो जाता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है, सोल रिफ्रेश हो जाती है। बट अब वो सारी चीज़ें होल्ड पे चली जाएंगी अनटिल माई सेकेंड ब्रदर कम्स, होपफुली इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान वेरी सून, तो फिर उनका हम दिमाग खाएंगे, उनके पीछे पड़ेंगे। बट वो उनको भी अभी टाइम है काफ़ी आने में। एनीवे, सो हम विदाउट एनी फर्दर अडू लेट जस्ट बिगिन विद दिस व्लॉग एंड आई होप यू गाइस गोइंग टू एंजॉय इट एंड लेट्स जस्ट बिगिन। तो हम लोग आए हैं मोमोज ऑन द गो। मेहरान फाइनली तुम हमें यहाँ पे ले ही आ गए, जाने से पहले ले ही आ गए तुम यहाँ पे। करो घर से टांगे दबाना। हम कब से इसको कहते थे हमें इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर नहीं लेके आता था हमें। अभी घर जाके थोड़ी और इसकी पैकिंग शैकिंग रहती है, वो हम करेंगे। बट एक और चीज़ थी जो मुझे बड़ा दिल कर रहा था, जब भाभी जा रही थी तब से मेरा दिल कर रहा था, पता नहीं वो हमें लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, धन्यवाद लावा पिज्जा। अगर आप लोग ने वो व्लॉग देखा है तो लोगों को पता है मेरा कितना दिल कर रहा था वो खाने का, बट वो हमें इधर ले आया था, ये खा लो, वो बहुत दूर पड़ रहा है। यहाँ से बच्चा पकड़ो सीधा बाघ की सीध, सीधा और सीधा भाड़ में चले जाए, मुड़ के मत दीजिए। अम्मी को टेंशन चढ़ गई है यहाँ पे इसका मोबाइल वोबाइल छिन ना जाए, बट वैसे ये चीज़ है, हम लोग रोड पे बैठे हैं, यहाँ पे मेरा मोबाइल चला गया ना तो बस खत्म। मोमोज खाए तुमने पहले कभी? हाँ, दही लगी हुई थी और वो खाए थे मैंने, बहुत अच्छा था। थोड़े ऑर्गेनिक समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। आपने खाए वो पहले कभी मोमोज? नहीं। अम्मी? नहीं। अम्मी की शक्ल से लग रहा है कि अम्मी को आज भी नहीं खाना है। मैं तुमने खाए कभी? मैंने भी नहीं खाया, बट हम यहाँ वाला ट्राई करेंगे मोमोज ऑन द गो। डम्पलिंग्स पहले खाए मुझे नहीं दोनों में फर्क पता, डम्पलिंग्स और मोमोज में क्या फर्क है। सो ये इनका मेन्यू है। ने कौन से ऑर्डर किए मेरा? चिकन चीज मोमोज। जी हमारे मोमोज आ गए और इनके साथ सॉसेज। सो ये रे मोमोज, चलिए शुरू हो जाइए वाली। प्लीज
कहाँ है? नहीं लगा मुझे वो चीज़ फील नहीं हुआ। सब खत्म हो गया लास्ट। नेक्स्ट वी हैव दिस पिज़्ज़ा फ्राइज। बहरहाल अब कहाँ जा रहे हैं? रूट ठंडी हो जाएगी। हैं? रूट ठंडी करने। रूट ठंडी करने मैं समझ गई। रूट ठंडी करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है बहादुराबाद का हम रूह अफ़ज़ा पीने जा रहे हैं, मिल्क रोज़। क्या मेरा नहीं सही है? आई गेस दैट इज़ राइट। वैसे अजीब बात है, कल ये खुद जा रहे हैं, हमें इसको खिलाना चाहिए बट ये हमें खिला रहा है। अब दूसरे भाई का इंतजार है, जब वो आएंगे अगर इंशाल्लाह वेरी सून तब उसको हम पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे, बट फॉर नाउ अब मेहरान रूह ठंडी कराने लेके जा रहे हैं सबके। अच्छा, तो अगर आपको भी रूह ठंडी करनी है तो आप बहादुराबाद की चुरंगी से राइट मुड़ेंगे एंड जावेद निहारी आती है आई बिलीव, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ से आप मुड़ेंगे। बस इस वीडियो को फॉलो करते रहें और आप पहुँच जाएंगे कराची डेरी एंड मिल्कशेक। पहुँच चुके हैं अपनी रूह ठंडी करने, विच इज दिस प्लेस। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा मिलता है, मज़ेदार सा ठंडा सा, यू गाइस वुड लव इट। थी वैसी हमेशा बच में था एकड़ा ग्लास थी वैसी। तो ये बहादुराबाद में पड़ता है, निहारी साहब स्ट्रेट आएंगे, बाकी आप इस वीडियो को फॉलो कर लें, आपको मिल जाएगा ये एरिया। और जिस तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं ना इस रूह अफ़ज़ा को, आई शो यू गाइस जब वो आएगा ग्लासेस एंड ऑल, आई शो यू गाइस। और इतना कोई चिल, इतना ठंडा एंड वेरी यम्मी, सो आई शो यू गाइस दैट। This is so good, you guys. It's a must try. अगर लोग नहीं पिया है ना, chill ठंडा पप्पू। मैंने मेरा मैं इतनी तारीफ करी थी, इतनी ठंडी तो नहीं है जितना ठंडा होता है यहाँ पे। पप्पू और वली लोगों को फर्स्ट टाइम आएंगे पीने, वो कहते तो भूखे बहुत ठंडा होता है आपका है ठंडा नहीं क्यों ज़्यादा ठंडा नहीं है भाई, बट सच्ची में बहुत मज़ेदार मज़ेदार शॉट है मेहरान, ये है कंपैरेटिवली ठंडा जितना होता है ये देखो मेरा ना देखो ग्लास ले लिए मेरे ओके गाइस, तो हम लोग घर आ गए हैं और आते ही मेहरान ने अपनी शॉपिंग के लिए अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है, पर उसकी पैकिंग से पहले बेचारे को थोड़ी सी चोट शोट लग गई है, तो उसको चोट शोट लग गई, चोट उसकी पुरानी है तो हम थोड़ा सा उसको सनी प्लास वगैरह लगाते हैं। खैर ये कुछ इसका राशन, काफ़ी सारा राशन तो भाभी लेके जा चुकी थी बट थोड़ा बहुत गहरा कुछ ये रख दिए नूडल्स, ये वहाँ पे बिला मेहरान बहुत नूडल्स मिलते हैं बिलावर, जैसे तुम लोग नूडल्स लेके जा रहे हो चाइनीज चाइना जा रहे हो वहाँ से, वहाँ के नूडल्स खाओ। मैगी ली है तुमने? नहीं, इट्स कनॉट, मैगी इज बैन। तो मैगी इज बैन, वो इसराइल कहेंगे, नॉट सपोर्टिंग इट। ये चाय, क्योंकि मेहरान चाय का शौकीन है, भाभी लेके नहीं गई थी, वो चाय नहीं पीती हैं, पर मेहरान की ड्रिपें लगती हैं इसकी दिन में 2-3। वैसे उसको इतनी कोई खास चोट नहीं लगी हुई बट बेचारा जा रहा है तो थोड़ा सा लाड दे देते हैं, और ये चाइना में जाएगा इसके साथ तो शायद इसी को देख के मुझे याद कर ले, वरना तो ये मुझे नहीं याद करेगा बिल्कुल भी। करने के लिए कोई क्वालिटी होनी चाहिए ना, जॉब में है नहीं, ये ऐसे लगाते हैं तो अभी देखो इसकी इधर लगी हुई है, मैं उसको कैसे टर्न पे, बस सही है सही है, नहीं हो सकता भाई इसको ऐसे रखना पड़ेगा, हम कुछ तो कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत। ये विल्दान के फेवरेट, ये शूज़ भी पैक होंगे, ये विल्दान के जो मेहरान लेके आए हैं ये मेहरान के हैं, एंड लेट्स सी सब सामान कैसे आता है। कल इस वक्त इंशाल्लाह मेहरान जहाज में होंगे, ये अलग है सेट सेट कर रहे हैं। Okay, Mehran. Okay. So you're going? Yes. Allah Hafiz.
मेरी तरफ से बिलदान को बहुत प्यार, भाभी को सलाम दुआ। मैं कितना खुश हूँ तुम अपनी फैमिली से मिलोगे। बहुत ज़्यादा। After a month। Yes। सबर की घड़ी खत्म हुई। Back is packed। We're just leaving in 10 minutes। भाई इतना लंबा ऊपर होना पड़ेगा, खैर इतना नहीं मुझसे पर लंबा। ओके गाइस, सो आई एम रेडी एंड ये बहुत चीज़ें जो बाहर रह जाती हैं, सो आई एम रेडी। आज मैं सोचा थोड़ा ईस्टर्न वगैरह पहन लूँ, सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। एंड लेंस आज मैंने स्किप किए हैं, आज मैंने कहा हम ग्लास के साथ काम चलाएंगे। हम तकरीबन कुछ 10 मिनट में निकल रहे हैं, सो अभी सिर्फ आवाज़ सुनने की शक्लें हमारी नज़र नहीं आती हैं। आई है हमारे साथ मेहरान को ड्रॉप करने। ये मेहरान की जैकेट, ये है पुप्पो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, मेहरान का जैकेट मेरे हाथ में है, वो लोग सब जा रहे हैं आगे। ये है अम्मा, मैं, पुप्पो, और इत्तेफाक से ना आज हमारे साथ अब्बू भी हैं, क्योंकि बेटे जा रहे हैं ना तो छोने आए, हमारे साथ नहीं आते हैं। घर खाली हो जाएगा। हाँ, अब तो बिल्कुल घर खाली हो जाएगा, सिर्फ अम्मी, मैं और अब्बू रह जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह ताला बिलाल आएगा, तो थोड़ा सा और रौनक हो जाएगी फॉर टाइम बीइंग, फिर खाली हो जाएगा, यही होता रहेगा। अब गाइस, सो वी आर बैक, और मैं अभी मेहरान लोग के कमरे में ही बैठी हूँ। आती मैं इधर बैठ गई थी, जस्ट क्विकली चेंज्ड माय आउटफिट और मैं इधर बैठ गई। अभी मेकअप वगैरह कुछ रिमूव नहीं किया हुआ मैंने, बट इतना अब खाली घर हो गया है ना, बहुत ही कोई खाली घर हो गया है। सिर्फ अब मैं, अब्बू और अम्मी, दैट्स इट। इज हियर, हु इज हियर? आफ्टर मेनी आवर्स एंड ऑलमोस्ट अ मंथ पूरी फैमिली रीयूनाइट हो गई, एंड बस अल्लाह इनको हमेशा ऐसे ही साथ रखे, आमीन। ओके, तो आउट्रो ना मैं अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि आपने अभी मैंने इंट्रो शूट किया है, मैं दोबारा आउट्रो भी शूट करूँ, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो फॉर श्योर मैं भूल जाऊँगी। अगर भूलूँगी नहीं तो मैं बाद में कहूँगी कि जब वीडियो एडिट हो जाएगी तब मैं करूँगी, तो उसके करते करते मैं, मेरे जहन से निकल जाता है ना, हमेशा मैं आउटर रह देती हूँ। बट आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस व्लॉग, एंड दे आर फाइनली रीयूनाइटेड, इंशाल्लाह दे आर फाइनली रीयूनाइटेड। फिर एंड प्रेजेंट मैं दोनों शूट करूँ तो इंशाल्लाह दे आर रीयूनाइटेड। या आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस व्लॉग, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट विद दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज जुसराज लिटिल कॉस्मो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज सून इंशाल्लाह ताला इन द फ्यूचर। नाउ अंटिल देन, टेक केयर फॉर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, एंड लव इज फी अमानिल्लाह।